सो गाइस फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज डैश अ बुक, रीड रीड्स रीडिंग। यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड है वो है ये इज। एक बात आपको याद रखनी है, इज एम आर वर्स और वर, जब भी सेंटेंस के अंदर होते हैं तो इसमें हमेशा ऐसी बात होती है जिसमें आईएनजी लगाओ, तो यहाँ पर हमारा रीड में आईएनजी लगा हुआ ये, तो हमारा राइट आंसर हो गया रीडिंग। आई डिडंट डैश टीवी यस्टरडे, वॉच वॉच वॉचिंग। यहाँ पर हमारा कीवर्ड है डिडंट, तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, डोंट डजंट और डिडंट, इस केस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ना तो ईडी लगेगा वर्ब में और ना ही कोई वर्ब ऐसी होगी जिसमें आईएनजी लगेगा, ठीक है, तो सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है आपको। तो यहाँ पर बेस फॉर्म क्या है हमारी, वॉच, तो हमारा राइट आंसर होगा ही डिडंट वॉच टीवी यस्टरडे, ठीक है। वी हैव डैश आवर होमवर्क, डू डज डिड और डन, क्या सही है, हमारा कीवर्ड है हैव, तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि हैज, हैव और हैड इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर हमारा डन जो है ये है डू डिड और डन, तो हमारी डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या लगाना है हमें, डन, वी हैव डन आवर होमवर्क। अगर ऐसी वीडियोस देख देख कर सीखना है तो अभी फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।